नसीब खोटे तो गलत फैसलों से होते हैं पप्पू। और अब्बा बता दें आपने, उनकी डांट तो वैसे भी बचपन से सुनते हुए आई हूँ, पेमेंट के लिए एक और सही। अरे दस्तखत है इस पर, तुमने इजाजत दी है फराज भाई को दूसरी शादी करने की, इसीलिए कहते हैं कि साइन करने से पहले पढ़ लेते हैं कागजात, या अगर पढ़ना नहीं आता तो किसी दूसरे से पढ़वा लेते हैं। ये दस्तखत किए, तुमने इजाजत दी है फराज को दूसरी शादी की। देखो तो शारदा ने छुट्टी कर ली, कमाल। क्या हुआ है? नहीं, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ नहीं नहीं, तबीयत ठीक है मेरी। फिर क्या हुआ? अम्मा फाखर मुझसे नाराज है। उसको क्या हो गया? मुल्क से बाहर जाना चाहता है वो पढ़ने के लिए, लेकिन मैं मान नहीं रही हूँ और ना ही बड़ी अम्मी मान रही हैं। चाहता है कि मैं बड़ी अम्मी से इजाज़त लूँ, उसके लिए उनको मनाऊँ। बाहर जाना चाहता है? इसको अचानक बाहर जाने की क्या सूझी? तुम्हारा रनाया का क्या होगा? यहाँ भी तो पढ़ सकता है। यही बात तो मैं बड़ी अम्मी उसे 100 दफ़ा समझा चुके हैं, लेकिन वो मान ही नहीं रहा। उसके सारे दोस्त बाहर चले गए शायद, इसलिए उनके साथ ही तो ग्रुप स्टडी करता था। उनकी और वजूहत होंगी, इसको अपनी वजूहत का पता है ना कि वो नहीं कर सकता इस तरह। वही तो, लेकिन जिद पकड़ के बैठा हुआ है। अब उसने जिद पकड़ लिया तो फिर पकड़ लिया। शायद इसलिए खफा है मुझसे, तो ये चाहता है कि मैं बड़ी अम्मी को मनाऊं, लेकिन मैं खुद राजी नहीं हूँ तो मैं उनको कैसे मनाऊं। और उसको पता है कि अगर मैं मान गई ना तो फिर बड़ी अम्मी भी मान जाएंगी। तुम समझाओ उसे, 200 लड़के हैं यहाँ पर, नौकरियां करते हैं, कारोबार करते हैं, इसको पता नहीं क्या सोची है बाहर जाने की अचानक। मेरी नहीं सुन रहा मैं, कितनी दफा समझाओ उसे। जिद्दी हो गया जब से भाई साहब गए ना, किसी की नहीं सुनता। कहने को तुम्हारा बाप जो है ना उसका चाचा है, लेकिन यहाँ ना चाचा की ना फुप्पा की, किसी की नहीं सुनता फाखिर। तुम परेशान मत हो, मैं भाभी से बात करूंगी और सायका आपस से भी, हम सब मिलकर समझाएंगे, समझ जाएगा। सही है, एक काम करो फाखिर का नाश्ता लेकर जाओ, चलो। अम्मा वो याद आया, फाखिर आज घर पे नाश्ता नहीं करेगा। बात तो वो मुझसे कर नहीं रहा है, लेकिन मैसेज किया था उसने मुझे, और शायद इसलिए किया था कि अपनी नाराज़गी ना रजिस्टर कर पाए। कह रहा था दोस्तों के घर पे करेगा नाश्ता। अच्छा खैर, तुम सबके लिए नाश्ता लेकर जाओ, और हाँ फैम पप्पो को भी बुला लेना, कब से पुरानी बात लेकर बैठी हुई हैं। सही है। आप वजह बताओ सुबह सुबह इस अर्जेंट ब्रेकफास्ट की। तो अच्छा खासा सो रही थी, मैं यहाँ पर वेकेशन के लिए आई हुई फाखिर, तो मैं सुबह सुबह उठा के यहाँ ले आया। यार मैंने तुमसे टोफिल का फॉर्म तो फिल करवा लिया, लेकिन मेरे घर वाले मानने के लिए तैयार नहीं कि मुझे बाहर भेजे। हाँ तो मैंने भी तुम्हारी फॉर्म फिल करने में मदद की है, घर वालों को काउंसिल नहीं करने वाली हूँ मैं तुम्हारे। मैं कब कह रहा हूँ कि उनको काउंसिल करो भाई। अब मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं, या तो मैं इमोशनल ब्लैकमेल करूँ सबको और निकल जाऊँ, या तो फिर छुप छुप आके खामोशी से जो है वो भाग जाऊँ। फिर तुम्हें क्या हो गया? तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, ये ऐसे अचानक से प्लान कर लेना और किसी को बगैर बताए ऐसे चले जाना, ये क्या, ये कौन सा तरीका है? तुम उनकी बात मानो, बात को सुनो। तो मैं क्या करूँ, जब तुम बताओ तो और कोई ऑप्शन है मेरे पास? एनी का सोचा था अगर वो मान जाती तो फिर वो अम्मा को भी मना लेती, वो भी नहीं मान रही है, मैं क्या करूँ? हाँ तो एनी को क्या प्रॉब्लम है, वो तो तुम्हें खुद काउंसिल करती थी ना पढ़ने के लिए, स्टडीज को कंटिन्यू करने के लिए। अब क्या हो गया उसे? पता नहीं यार, वो टिपिकल सोच रख के बैठ गई है हाउस वाइफ वाली को, अब बन गई है तो वही सोच रखती है, हालांकि अब तुमसे भी उम्र में छोटी है वो। प्लीज़ उसको मुझसे कंपेयर मत करो, उस बेचारी के ऊपर तुमने देखा है कितनी जिम्मेदारियाँ हैं, एक बच्ची की जिम्मेदारी, अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी, घर को संभालने की जिम्मेदारी, और मैं उठती हूँ, अपना सोशलाइज करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, दैट्स इट। तुम्हें पता है सबको यही लगता है, उस तरह अभी तुमने उसके मसले सारे बयान किए ना, हमारे घर में भी सबको ये लगता है कि शादी से सिर्फ एनी गुजरता हुआ,
किसी ने ये देखा नहीं कि भाई मैंने कहा कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, मैंने कहा सैक्रिफाइसेस किए हैं, मेरे भी कुछ ख्वाब थे जो मैं छोड़ के आना हूँ। नहीं समझ आती किसी को। फाखर, मैं तुमसे हमदर्दी भी रखती हूँ और मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, इसलिए मैं समझती भी हूँ कि तुम इस वक्त क्या क्या चीज़ों से लड़ रहे हो, किस किस चीज़ से गुजर रहे हो। बट एट द सेम टाइम तुम्हें पता है तुम्हें सबसे बेस्ट हूँ भी क्या। तुमने क्लास में ना हमेशा हर लड़की की इज्जत की है और मैं इन्हीं को इतना लकी मानती हूँ ना कि उसको तुम्हारे जैसा हस्बैंड मिला है। आई अंडरस्टैंड जल्दी शादी होने की वजह से ना थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए हो, बट इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से है अब वो उस अच्छी आदत को ओवरशैडो नहीं होने दो। तुम उनको इज्जत दो, समझने की कोशिश करो कि वो बोल क्या रहे हैं, एंड अगर वो नहीं इजाज़त देते तुम्हें जाने की तो स्टे हियर, तुम्हारा मेन पर्पस इज कंटिन्यूइंग योर स्टडीज, राइट? डू दैट। तुम क्यों नहीं पढ़ी फिर यहाँ पे? बताओ। हम लोग इसकी क्योंकि यहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं, मेरा भी बाहर जाने का मकसद यही है। पाखिर, मुझे मामा के मैसेजेस भी आ रहे हैं, कॉल्स भी आ रही हैं, आई नीड टू गो, मुझे उनके साथ बाहर जाना था। हम बाद में मिलते हैं और बात करते हैं, ओके? नाफिस। सुनो फाखिर। जी चाची, कुछ मंगवाना है? हाँ, मेरी बेटी का सुकून। समझा नहीं, सॉरी, क्या कह रही हो? फाखर, तुमने जब से जाने की ठान ली है, एनी ना खा रही है ना पी रही है, बहुत परेशान। मैं भी चाहती हूँ कि तुम पढ़ो जाके बच्चे, लेकिन एनी और अनाया को मैं छोड़ कर जाओ। मैं जानती हूँ तुम जो एक बार ठान लेते हो ना, तुम करके रहते हो। हाला है तुमने दामाद बनकर खड़े हो तो क्या? चाची, कुछ ख्वाब है मेरे जो मैं पूरे करना चाहता हूँ, उसके लिए बाहर जाना बहुत जरूरी है। कुछ कोर्सेज हैं जो पाकिस्तान में नहीं सिर्फ बाहर ही हैं, तो प्लीज समझे इस चीज को। ठान लिया, जाओगे, तुम्हारा कसूर भी नहीं है, तुमने देखा ही है ये घर में। तुम्हारे चाचा ने कभी अपने बीवी बच्चों की परवाह नहीं की, तुम्हारे पापा भी कल यही करने जा रहे थे, तुम भी यही करोगे? चले जाओगे छोड़कर सात समंदर पार? कर ली बुराई, तुम्हें मौका चाहिए ना मेरे बच्चों के सामने बुराई करने का। आखिर तुम्हें बाहर जाना है तो तुम जाओ, तुम्हारी मर्जी है। अगर एनी नहीं जाएगी, एनी यहीं रहेगी हम सबके साथ, वो अकेली नहीं है, समझे तुम? गलत समझ रहे हैं चाचू आप, एनी की अहमियत मेरे नजदीक बहुत ज्यादा है। माना ख्वाब जरूरी है, लेकिन उसकी इजाजत भी जरूरी है। जब तक अम्मा और वो मेरे जाने पर रजामंद नहीं हो जाते, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। दोनों की इजाज़त ज़रूरी है। सुन लिया थमा का जवाब? सुन लिया? कम से कम इसकी नजर में तो बीवी की हाँ या ना की अहमियत है। Thank you.
अक्रम, तो बच गई, मुझसे कैसे बचेगी? हाँ राहिला, 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 राहिला उठो, क्या किया तुमने? भैया मुझ पर, ये मुझ पर लात फेंक रही थी, कुछ कर गए। अरे राहिला, क्या हुआ? तो अभी ऊपर लेके जाना होगा। उठा, उठा, उठा। राहिला, राहिला। डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ मिस्टर, अभी मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये लेटेस्ट प्रेगनेंसी है, इसमें आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। जी आप बताया था। आई एम सॉरी, हम आपके बेबी को नहीं बचा सकते। बेबी को नहीं बचा सकते? जी ना, सिर्फ बेबी को ना बचा सके बल्कि आपके लिए एक और भी बुरी खबर है, आपकी वाइफ अब कभी मदद नहीं मिल सकती। बेहतर होगा मिस्टर कि आप ये खबर सुनाने से पहले किसी रिलेटिव को बुला लें, क्योंकि वो जितनी अपनी प्रेगनेंसी पे खुश थी, मैं मुझे इस बात का डर है कि वो डिप्रेशन में ना चली जाए। ठीक, थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर। ना मेरा बच्चा, ना ही दादा, एनु बाबा नहीं, गुड़िया नहीं, मैं नहीं हूँ। बच्चे को आता है बोलो। हाँ आयशा, मेरा बच्चा नहीं रहा। राहिला आप कभी मां नहीं बन सकती। तुम यही चाहती थी ना, ये हो गया। हबीब मैं जा नमाज पर बैठी हूं, मेरा अल्लाह गवाह है, ना मैं कभी ऐसा जा सकती हूं ना ही नहीं। तुम दोनों से बड़ा दुश्मन राहिला का कोई हो नहीं सकता, समझी तुम? मैं बताता हूं तुम्हें, अभी मेरी खुशियां तुमने बर्बाद की ना, मैं तुम्हें बताता हूं, अभी देख लूंगा मैं तुम सबको,
से यकीन दिलाऊं आपको मैं अभी, हम ऐसा कभी नहीं जा सकते। आज फिर तुम्हारे बाप ने मेरी बात का यकीन नहीं किया है नी? आज उसका बच्चा चला गया, तब भी उसको ये याद था कि मुझ पर और तुम पर गुस्सा निकालना है। अल्लाह, कैसी आजमाइश है। मैं हॉस्पिटल में क्यों? कुछ नहीं, आप ही वो हब ना गिर गई थी तो बस पाँव में और हाथों में थोड़ी चोटें आई हैं, और कुछ नहीं हुआ। गिर गई थी मतलब? आप ही, आपको डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला है, लेट जाए, आप आराम से रेस्ट करें। क्या हुआ, क्या था मुझे आलिया, बता तो दो प्लीज। कुछ भी नहीं हुआ, आपने अपने जहन पे ज्यादा जोर नहीं देना है। हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है। मैं बासुर हो गई हूँ क्या? मैं गिरी कब हुआ लिया, मुझे वो भी याद नहीं है, मैं कब गिरी थी? क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रही हो आलिया? मुझे परेशानी हो रही है, बताओ क्या हुआ है मुझे? कुछ ज्यादा कुछ हो गया क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ आपको, बस अलिया अलिया मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ है अलिया? आपका बच्चा नहीं रहा इस वो आपका मिस कैरेज हो गया है, वो नहीं रहा। बकवास कर रही, बच्चे को कुछ नहीं हो सकता, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता, क्या बात कर रही हो तुम? आप ही हबीब भाई मुझे बता रहे थे कि एनी ने आपके लिए पानी रखा था किचन में और आप उसी से स्लिप होके गिर गई। वो पानी आपने तो नहीं रखा था ना, मुझे बताए, आपने तो नहीं रखा था ना? नहीं, मैंने गिराया था, एनी को गिराने के लिए मैं कैसे गिर सकती हूँ आलिया? आप ही आपने जो पानी गिराया था उसमें आप खुद ही गिर गए, और देखे एक बच्चे की आस थी वो भी खत्म हो गई। क्या बात कर रही, क्या बात कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारे, सच नहीं है। डॉक्टर्स को बुलाओ, हबीब को बुलाओ, ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको संभाल, मैं कुछ संभालने की बात ही नहीं आती, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बच्चा कहीं नहीं जा सकता, प्लीज प्लीज बकवास मत करो। मेरा बच्चा मेरे पास, आप भी आपको आराम की जरूरत है, मेरा बच्चा मेरे पास, अच्छा आओ आप भी आराम की जरूरत है, आपको भी थोड़ा सा आराम कर ले, उसके सब ठीक हो जाएगा। हाँ थोड़ा सो जाएंगी, अच्छा आज लेट जाए, अच्छा आपकी प्लीज तो रेस्ट कर लेंगे तो ठीक हो जाएगी ना, मैं आपके लिए पानी लाऊं? हाँ पानी लाओ, पानी ले के आओ। आप ही, आप ही रामेबाजी मत करो, तुमने किया है ये सब। अगर अगर तुम मुझे बेटा नहीं दे सकी तो तुम चाहती थी राहिला भी ना दे सके, है ना? तुमने ही बोला था इसको पानी डालने के लिए रास्ते में, आप नहीं कर रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया फाखर, तुम बीच में मत आओ अब्बा के, अभी वो बहुत गुस्से में, कुछ नहीं कर सकते। हाथ लगा के दिखाएं आप उसको, मेरे रास्ते से हटो, तुमने शायद ये ऐसे सब करने के लिए।
यहाँ क्यों बैठी हो आयशा? एनी ने बताया कि तुम पूरी रात सोई नहीं। हबीब ने तुम्हें और एनी को जिम्मेदार ठहराया है राहिला के मिसकैरेज के लिए। हबीब ने तो तमाम हदें पार कर दी। इतना बड़ा इल्जाम माना, मैं बेवकूफ हो सकती हूँ, कम अक्ल हो सकते हो, माना कातिल सालिम, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? तुमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया आयशा, किसी के साथ बुरा नहीं किया। ये तो हबीब की बदकिस्मत है कि तुम जैसी बीवी की कदर नहीं की उसने। कितने अरसे से साथ है ना, मैं घर जाती, खाना बनाती थी ना, मैं शादा से पहले ही बना लिया करती थी ना सायका, चाहती तो खाने में कुछ डाल सकती थी, मिला सकती थी, कितने मौके मिले। अगर मेरी बच्ची और मैं ऐसे कभी सोच भी नहीं सकती। अरे तुम तो फरिश्ता हो, फरिश्ते कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो तो रहमतें और दुआएं लेके आते। अरे दफा करो हबीब को, वो क्या सोचता है क्या समझता है तुम मत सोचो इस बारे में। मुझे इसकी फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र तो एनी की है। एक तरफ फाखिर ने बाहर जाने की जिद लगा रखी है जो मेरी बच्ची नहीं चाहती, दूसरी तरफ मेरी गुड़िया पर इतना बड़ा इल्जाम, क्या होगा मेरी बच्ची? किसी की इतनी मजाल नहीं कहनी को कुछ कह सके। हबीब की बदसलूकी और फाखिर की जिद दोनों से निपट लेंगे, तुम परेशान मत हो, हिम्मत पकड़ो। मेरी तो आज छुट्टी है, तुम क्यों नहीं गए ऑफिस? अभी चाचू आएंगे ना तो आपको लग पता जाएगा खुद ही, उनका गुस्सा ना ठीक ठाक रोज पे है, बिला वजह तुम लोगों को चाची को या तुम्हें को नुकसान पहुँचाएंगी, इसीलिए रुका हुआ हूँ। शुक्रिया हमारी इतनी फिक्र करने के लिए। तो मुझे ये बताओ, जब तुम मुल्क से बाहर चले जाओगे तब हमारी इतनी फिक्र कौन करेगा? नहीं है ना तुम्हारे पास जवाब, इसलिए बेहतर ये होगा कि हमें ना इस अपनी प्रोटेक्शन का आदि मत बना, क्योंकि ये हमेशा तो तुम दे नहीं सकते। एनी, अम्मा, तो और चाची, फिलहाल जब तक मैं यहाँ पर ना इन तीन लोगों की मैं बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगा इस घर में, बस। देखो फाखिर, तुम्हारे अच्छे इंसान होने पे ना मैंने कभी शक नहीं किया। मुझे पता है अगर तुम्हारे सामने मैं खड़ी भी होंगी, अम्मा या फिर बड़ी अम्मी भी खड़ी भी होंगी, या कोई और लड़की भी, तुम उनके लिए स्टैंड लोगे, और ये बात मुझे तुम्हारी अच्छी लगती है। थैंक यू आपकी तारीफ का, सिर्फ तारीफ सुनने के लिए जो है मैंने बात नहीं की थी, एक्चुअली मैं कंसर्न हो रहा था इसलिए बोली थी, बस और कुछ नहीं। तुम्हारी कंसर्न अपनी जगह ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे और अब्बा के मामले अब हम दोनों पे ही छोड़ देने चाहिए, क्योंकि आगे मुझे अकेले ही खुद इन सारी चीज़ों से डील करना है। कोई नाराजगी है, अब चलें बाहर इससे पहले कि आपके अब्बू आएँ और नई फसाद खड़ी करें। पप्पू और अम्मा जो है ना आपकी अकेली हैं, इनाया का है फायजा और एमन के पास है। तुम्हें तो नहीं लगी है कहीं चोट? मामा से तो नहीं लगी, लेकिन इसको मैं जान से मार दूंगा। नहीं करे, अंडों के आए यार, नहीं करे, आप पीछे हट जाए यहां से, नहीं करे। क्या हुआ नहीं, ठीक तो है? ड्रामेबाजी मत करो, ड्रामेबाजी मत करो, तुमने किया है ये सब। अगर तुम मुझे बेटा नहीं दे सकी तो तुम चाहती थी राहिला भी ना दे सके, है ना? तुमने ही बोला था इसको पानी डालने के लिए रास्ते में। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। आप नहीं करेंगे, नहीं करें, आप पीछे हो जाए, अभी यहाँ से आप आगे नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। मैंने कुछ नहीं किया फाखिर, तुम बीच में मत आओ अब्बा के, अभी वो बहुत गुस्से में, कुछ भी कर सकते। हाथ लगा के दिखाएं आप उसको, मेरे रास्ते से हटो, तुमने शायद ये ऐसे सब करने के लिए।
तुम अपनी शक्ल गुम करो इधर। जाएंगे आप यहाँ से आगे? पागल हो गए क्या? कैसे यकीन दिलाया आपको? अब मैंने राहिला आंटी के रास्ते में पानी नहीं फेंका था, उन्होंने मेरे रास्ते में पानी फेंका था और मुझे गिराने के चक्कर में ना खुद गिर गई। झूठ मत बोल, झूठ बोल रहे तो। हबीब, हबीब थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, बेटी है तुम्हारी, कोई कोई सबूत कोई गवाह है? सबूत नहीं, क्यों नहीं कर रहे आप? मामू, मैंने देखा था राहिला आंटी ने ग्लास भर के एनी के रास्ते में पानी डाल दिया था और एनी को धक्का भी दिया था, वो बेकसूर है मामू। क्या क्या? ये नहीं हो सकता, नहीं ये तुम बेली भी हो ना इसके साथ, तो तुम जो झूठ बोल रहे हो, तुम भी झूठ बोल रहे हो। कफाते अमल कहते हैं चाचू उसको, जो शख्स इस दुनिया में किसी के साथ भी बुरा करना चाहता है ना, दुनिया में उसके साथ ही बुरा होता है, समझ लो। मका फातिहा बल भान पे गया तुम्हारा। मैं सबको देख लूंगा। आलिया, आलिया खाना तैयार हो गया बेटा? जी अम्मा, खाना तो तैयार हो गया है। वो अस्पताल जा रही हूँ ना मैं, आज आप ही डिस्चार्ज हो रही हैं, तो बस उन्हीं के लिए ये खाना बना के लेके जा रही थी। अभी भाई आते ही होंगे अभी। से सच बात कहूँ, तुम्हें बुरा तो लगेगा बेटा, लेकिन प्राहिरा के साथ जो हुआ है ना, ये उसके किए का फल है। खुदा लगती बात तो ये है, कैसे मेरी बेजबान आयशा और एनी की हाय समेटी है उसने, उसके साथ तो जो ना हो ना कम है। माँ ठीक कहती हैं आप, लेकिन आप मुझे बताएं मैं भी क्या करूं? बहन है मेरी, वो ऐसे दिल कोड़ता है मुझे उसको इस हालत में देख के। और आपको पता है जब से होश में आई है ना, जुनूनी हरकतें कर रही है, बहुत बहकी बातें कर रही है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है उनके साथ। अच्छा आप एक काम करिएगा, आप उनके लिए दुआ तो कर सकती हैं ना कि उनको सुकून आ जाए। हाँ मैं राहिला के लिए दुआ करूँ? आयशा की सौतन है वो, जिसे पूरे घर का नाक में दम कर रखा था, किसी को बख्शा उसने? उसके लिए मैं दुआ करूं? इतनी अजीम शख्सियत नहीं हूं भाई मैं, लेकिन तुम्हारी शक्ल देख के ना मैं पढ़ूंगी उसके लिए कुछ, किसे एहतियाबी के लिए फिक्र नहीं करो। लेकिन एक बात है, आज जब वो घर पहुंचे उससे कहो कि आयशा से माफ़ी मांगे दिल से, इससे उसकी ज़िंदगी भी सुकून में आएगी और खुदा भी उसे माफ़ करेगा। माँ अभी तो वो सोचने समझने की सलाहियत में नहीं है, लेकिन जब होश में आ जाएंगी तो मैं उससे कह दूंगी। चलो ठीक है। अच्छा अम्मी आप एक काम करेंगी, मैं तो जा रही हूँ अभी, अयान का ख्याल रख लीजिएगा, पीछे अस्पताल में पता है बहुत तंग करेंगे। अयान तो मेरी जान है, रोज ही देखती हूँ, देख लूंगी, घबराओ मत, तुम जाओ। चलिए बहुत खाना, खाना तुम्हारा खाना? खाना मैंने तैयार कर दिया है, जमशेद जब आएगा आप दोनों ने बैठ के साथ खाना। नहीं मैं तुम्हारा पूछ रही हूँ। मैं खा लूंगी ना वहाँ भी भाई और आपा के साथ, आप परेशान ना हो, मैं वहाँ पे खा लूंगी। चलो ठीक है, चलिए ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। आयशा, अरे भाभी बस खाना तैयार है, आप बैठे मैं लगा रही हूँ। सुनो मैं सोच रही थी कि ये राहिला और हबीब के साथ तो जो हुआ सो हुआ, हमें इन हालात में कम से कम फाखिर और एनी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तुम्हें अंदाज़ा है ना कि उनके दरमियान कुछ अनबन है? एनी ने बताया था फाखिर नाराज़ है उससे, वो कह रहा था कि एनी आपसे बात करे, लेकिन एनी तो खुद राज़ी नहीं है भाभी। हम दोनों मिलकर एक दफ़ा फाखिर को समझाने की कोशिश करते हैं, शायद उसे समझ आ जाए। मैंने बात की थी फाखिर से कल रात, कोशिश की थी, हबीब आ गए बीच में और फाखिर की तरफदारी करने लगे, कहने लगे एनी कौन सा अकेली है यहाँ पर, पूरा घर है, सब घर वाले हैं, हबीब का तो दिमाग खराब है, अपने मामला सुलझा नहीं सक रहा, इन दोनों की जिंदगी के मामला उलझा रहा है, बढ़ा रहा है। लेकिन भाभी आज जिस तरह फाखिर ने एक बार फिर एनी पर उठता हुआ हाथ रोका है ना हबीब का, इत्मीनान हो गया मुझे। बेशक नाराज हो एनी से, लेकिन ख्याल है उसको मेरी बेटी का। हाँ फाखिर और एनी
दोनों ही अपनी अपनी जगह बेहतरीन इंसान हैं। तो बेहतरीन इंसान बेहतरीन दोस्त हो सकते हैं, बेहतरीन माँ बाप हो सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि बेहतरीन मियाँ बीबी भी हैं। हम लोग समझते हैं इस बात को। फाखर की इज्जत का क्या होगा भाभी? देखते हैं। शोर बहुत है ना इस घर में, है ना? ओ, इसलिए नींद नहीं आ रही हूँ कि आप। अच्छा चल मम्मा चलाएगी आपको, मम्मा चलाएगी आपको। हाँ सोचो 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 बस। हापी सोचो, हापी ये क्या कर रही हैं आप? मेरे साथी क्यों हुआ है? आप ही तकदीर में यही लिखा था, और तकदीर को तो कोई नहीं बदल सकता ना। सब लोग तो अपने बच्चे उठा के अस्पतालों से खुशी खुशी आते, मेरे तकदीर क्यों लिखा था ऐसा? जाओ आलिया, मैं कायम बच्चे का। फाखिर ये बस 3-4 चीज़ें लाया कि ये तुम ले आओ, ख़त्म हो गई हैं। अभी थोड़ी देर में लाता हूँ, काम से जा रहा हूँ। हाँ तो ये भी ज़रूरी ही है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अरे यार वो एक ईमेल आई है, वो टोफिल के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट करवाने थे, वो मैंने करवाए या नहीं, लास्ट डेट है, देख के आता हूँ। एक सेकेंड, क्या मतलब तुम्हारा ये तुमने मुझसे क्या कर? मतलब फाखिर मैं और बड़ी अम्मी इनकार करने मना करते तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिद बना लिया तुमने और छुप छुप के तुमने तैयारी भी शुरू कर दी है यार बाहर जाने की। यार इसलिए शुरू करी है क्योंकि मुझे इस बात का बिल्कुल यकीन है कि जो लोग मुझसे प्यार करते हैं ना, वो शायद मेरे ख्वाबों से भी करते हैं। कभी कभी ना फाखिर, ख्वाब और प्यार आमने सामने आ जाते हैं और किसी एक को चुनना पड़ता है। एनी मैं बाहर जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। बाबा का कारोबार समझना है, काम करना है, कारोबार को आगे लेके जाना है, और आगे जब जाएगा कारोबार तभी हम अनाया का जो है वो अच्छा फ्यूचर दे पाएंगे। अच्छा फ्यूचर, अच्छा फ्यूचर देने से पहले तुम ये सोचो कि तुम उसे बचपना कैसा दोगे? सब बचपना जहां वो अपने बाप की गोद में बैठने के लिए तरस रही है और सिर्फ वीडियो कॉल पे बात कर। यार तो क्या हो गया, ऐसी भी फैमिलीज हैं ना पाकिस्तान में और भी मुल्कों में जिनके घर पे जो बड़े हैं वो बाहर निकल गए हैं पढ़ने के लिए या काम करने के लिए, तो फैमिलीज कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, वो इतना बड़ा हर्ज नहीं है। तो वैसे ही मैं कर लूंगा, तुम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेना ना यार। सही, तो तुम डिग्री वहां की करोगे, ई-कॉमर्स या MBA तुम वहां से करोगे और फिर जॉब तुम यहाँ आके करोगे। वाह फकीर, बेवकूफ ना किसी और को बनाना और किसी और को ये बातें बताना जो तुम्हें जानता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। नहीं रोइए, मैं देख के आता हूँ उसको। नहीं फकीर, तुम नहीं जाओगी इनाया के पास, मुल्क से बाहर जा रहे हो ना, तो इनाया को तुम्हारे बिना रहने की आदी बना देती हूँ मैं। आओ बैठो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आपने बुलाया था। कुछ पियोगी आंट, जूस और सम? नहीं नथिंग, आई एम गुड। चलो थोड़ी देर में देखें। तुम्हें बुरा तो लगा होगा मैंने तुम्हारी अम्मी से बात की? नॉट एट ऑल आंटी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आमना मैं जानती हूँ फाखिर और एनी की शादी हमारे ख़ानदान का, फैमिली का एक गलत फैसला था और उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं, न जाने कब तक भुगतेंगे। हमने उन बच्चों की जिंदगियों को दांव पर लगाया,
लेकिन ये भी हकीकत है कि फाफिद भी एनी से शादी हो चुकी है और फिर अनाया वो एक ऐसी हकीकत है जिससे अब हम मुंह नहीं मोड़ सकते। फाफिद की जिंदगी बिल्कुल बदल गई, बहुत मुश्किल था लेकिन मुझे लगा था कि फाफिद समझौता कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को समझ रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। एनी और अनाया के साथ उसका रिश्ता बनने लगा लेकिन फिर जब से तुम वापस आई हो ऐसे लगा जैसे फाखर बिल्कुल बिखर गया है, उसकी जिंदगी और उसके साथ हम सबकी जिंदगी जैसे धर्म पर उस पर बाहर जाकर पढ़ने का, मुल्क को छोड़ के जाने का, हमें छोड़ के जाने का एक भूत सवार हो गया है अचानक। आंटी आई अंडरस्टैंड आप इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं और मैं ये भी समझ रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप शायद सोच रही होंगी कि उसके फोकस शिफ्ट की वजह मैं हूँ। भी आपको लग रहा होगा कि मैंने फाखिर को बोला है कि वो बाहर जाए या कुछ, लेकिन आंटी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फाखिर की, फाखिर से जुड़े हर रिश्ते की और उसकी जिम्मेदारियों की बहुत इज्जत करती हूँ। मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूँगी या कोई ऐसी उसको बात नहीं बोलूँगी जिससे वो आपको हर्ट करे या अपने किसी और रिश्ते को हर्ट करे या अपनी जिम्मेदारियों से भागे। आई नो कि शादी से पहले फ़ख्र और मैं एक दूसरे को पसंद करते थे लेकिन सब कुछ पास्ट में है, हम दोनों ने मूव ऑन कर लिया है, हम दोनों अपनी ज़िंदगी से आगे बढ़ रहे हैं, अब हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मैं इस बात का यकीन दिलाना चाहती हूँ आपको कि मैं फाखिर की बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ। मैं फाखिर को कभी किसी ऐसी चीज़ के लिए पुश नहीं करूँगी जिससे आप लोग हर्ट हो जाएं या वो एनी से और अनाया से दूर हो जाए। थैंक यू, शुक्रिया। तुम वाकई फाखिर की बहुत अच्छी दोस्त, सबसे अच्छी दोस्त। शायद तुम्हारी बात वो मान ले, हमारी तो नहीं सुनता है, उसे कहो हमें छोड़ के मत जाने। मैं बात कर लिया सर, मैं तुम्हारी एहसान मत रहा।